गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम कर रहे हैं सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2009। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2009। सेबी सीए में भी, सीएस में भी, सीएमए में भी। वो अलग बात है कि सीएमए के अंदर 25 नंबर के पोर्शन में है, उसमें और भी बड़े से चैप्टर है, तो वेटेज कम है, कभी आता है कभी नहीं आता, आता है तो 5 नंबर का आता है। सेम सीए के अंदर भी यही हाल है, लेकिन सीएस वालों के लिए ये इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी खासी है। एंड नॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो तीनों ही कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तीनों कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो अब देखते हैं जी क्या है सेबी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2009। आप लोगों को जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब जब भी कंपनी कैपिटल रेज करेगी तो उसको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। कैपिटल का मतलब क्या है, इश्यू ऑफ कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल वगैरह इशू करेगी, मार्केट से फंड लेके उसको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। उन डिस्क्लोजर्स को कैसे कैसे देना है, कितने टाइम में देना है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, इशू लाने का क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब कहाँ मेंशन है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 के अंदर। अब जरा इसकी कुछ स्टार्ट करते हैं और कुछ लिंकिंग देखते हैं। अच्छा, कैपिटल को इशू करने के लिए जनरली चार मेथड्स होते हैं। एक कंपनी अगर फंड्स लाने हैं, शेयर्स लाने, इशू करने हैं, तो वो चार तरीके से करती है कैपिटल इशू करती है। या तो वो करेगी पब्लिक इशू के थ्रू, इसको हम क्या इशू ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं। कैपिटल को इशू करना है ना, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए कंपनी कैसे कैसे कर सकती है, किस किस मेथड से कर सकती है। या तो वो करेगी पब्लिक इशू के थ्रू, या वो करेगी राइट इशू के थ्रू। या वो करेगी बोनस इशू के थ्रू, या वो करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। इसको प्राइवेट अरेंजमेंट बोल लो या प्राइवेट प्लेसमेंट बोल लो, बात एक ही है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। चारों में फर्क क्या है जी, बड़े ध्यान से देखते हैं। पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। पहली बात, जब हम ये पढ़ रहे हैं, अच्छा कैपिटल इशू करने के लिए सेबी आईसीडीआर जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेबी आईसीडीआर जो भी हमने देखा है पीछे वाली स्लाइड पे, मैं एक बार बैक करता हूँ। सेबी आईसीडीआर जब आप देख रहे हो, नाम से तो कैपिटल इशू करने के लिए, लेकिन कैपिटल इशू करने के लिए अकेला एक एक्ट नहीं है कि खाली कैपिटल इशू करे सेबी आईसीडीआर लगेगा। सेबी आईसीडीआर एक एक्ट है, और भी कई सारे एक्ट लगते हैं। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस एक चीज हो गई, प्लस अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट लगेगा। अब सिक्योरिटी लिस्ट करवाओगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है सिकरा भी लगेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेबी एक्ट भी लगेगा, पांचवा डिपॉजिटरीज एक्ट भी लगेगा, एटसेट्रा। तो एक एक्ट नहीं लगेगा, कई सारे एक्ट लगेंगे। हाँ, मगर हम जो मेनली डील कर रहे हैं कैपिटल इशू करने के लिए, वो ये है जी सेबी आईसीडीआर। अब हम बात करते हैं कैपिटल किस किस तरीके से रेज होती है जी। अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल इशू करने के चार तरीके हैं, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू मतलब आपको समझ आता है, इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, मार्केट से मांगते हैं हम लोग पैसा पब्लिक। राइट इशू अगर हम पढ़ें तो आप लोगों को पता है राइट इशू किसके लिए होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। राइट इशू क्या होता है, अगर आप लोग सीएस एग्जेक्टिव में या सीए इंटर में या सीएमए इंटर के, सीए इंटर के अंदर सीएमए इंटर पढ़ के आए हो, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि राइट इशू क्या होता है, जब कंपनी फर्दर शेयर्स अपने इशू लेके आना चाहती है तो उस केस में पहला ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। कई बार अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी देन वो बाहर बेचेगी, तो जो पहला राइट वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है कि पहले तुम खरीद लो, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो बाहर बेचेंगे, दिस इज कॉल्ड राइट इशू, पहला राइट उनको दिया जा रहा है। बोनस इशू आपको पता है, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं।
अच्छा इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? राइट इशू कंपनी लिटिल बिट डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है, लिटिल बिट डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है। अब एक चीज याद रखनी है, डिस्काउंटेड जो प्राइस है यहाँ डिस्काउंट फेस वैल्यू के ऊपर नहीं होता, पहली बात याद रखना। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि बच्चे को अगर मैं बोल दूंगा यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस तो मेरी बात पकड़ लेगा, वो ये बोलेगा सर कंपनी एक्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ शेयर डिस्काउंट पे शो हो ही नहीं सकता, सेक्शन 53 ये बोलता है, भाई हमें भी पता है। बात यहाँ पे ये है कि नहीं हो सकते, बात ये है कि मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट देते, लेट्स से शेयर की फेस वैल्यू ₹10, अब ₹10 से आप नीचे नहीं बेच सकते, वो डिस्काउंट माना जाएगा। लेकिन आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, आपको पता है जैसे ये पब्लिक इश्यू लेके आओगे आपका शेयर मार्केट में ₹100 का बिकेगा, आप ₹100 वाला शेयर 80 में दे रहे हो इन लोगों को, दिस इज डिस्काउंट है, लेकिन ये फेस वैल्यू पे नहीं है, कंपनी एक्ट फेस वैल्यू पे डिस्काउंट देने को मना करता है। ऐसी सिचुएशन आप कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन आप कर सकते हो ये वाला, तो ये इसमें जनरली ऐसे दिया जाता है। और बोनस इशू जो है, बोनस इशू ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, ये कैसे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इन दोनों में ये फर्क है। तो इसका मतलब एक चीज समझ आती होगी, बोनस इशू से जनरली कंपनी कैपिटल तो बढ़ाती है लेकिन उसको नॉर्मल शेयर्स की फॉर्म में बढ़ाती है, लेकिन उसको फंड्स नहीं मिलते, यहां से फंड्स की जरूरत नहीं होती यहां पे। लेकिन राइट इशू में फंड्स रेस करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट फंड्स रेस करती है, पब्लिक इशू फंड्स रेस करती है। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट का अभी देख लो, पब्लिक इशू आप लोगों ने देख लिया कि बाहर जनरल पब्लिक से आप शेयर्स इन्वाइट कर रहे हो, कैसे भी करो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है अदर देन पब्लिक ऑफर, अदर देन पब्लिक ऑफर, सेक्शन 42 है इसका कंपनी एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अदर देन पब्लिक ऑफर, और वो ये बोलता है एनी ऑफर देन पब्लिक ऑफर इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन कौन सा इसका कंपनी एक्ट में 42, ये सब लिखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास अगर आपको बेस समझ आ गया डेफिनेटली यू विल लव इट, और मैं लिख के दे रहा हूं ऐसे ऐसे कंसेप्ट सीखोगे जब तक सीखे भी नहीं होंगे। सेक्शन 42 अगर हम बात करें किसका, प्राइवेट प्लेसमेंट का। अच्छा इसमें और पब्लिक इशू में इसमें फर्क क्या होता है, इसमें आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करते, अड़ोसी पड़ोसियों को कॉल करते हो, इधर उधर वालों को पकड़ते हो और उनको बोलते हो शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद लो, शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद लो कंपनी के। इसका मतलब ये लार्ज प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आप लार्ज लेवल पर अलॉटमेंट नहीं करते, अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आप अलॉटमेंट लार्ज लेवल पे नहीं करते, 4 लोग 6 लोग 8 लोग 10 लोगों को जनरली ऐसे अलॉटमेंट करते हैं। वैसे भी तो आपको अगर सेक्शन 42 अगर आप लोगों ने पढ़ा तो वहां पे क्लियर दिखा हुआ है, अगर आप मोर देन एक साल में 200 persons को एग्रीगेट में अलॉटमेंट कर सकते हो, और उन्होंने लिखा है कि अगर आपने सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट की वायलेशन करी इट विल बी डीड एज पब्लिक इशू, वो क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। तो इसका लेक्चर समझ आती है, फिर आपको पब्लिक इशू के रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, वो कंपनी करेगी नहीं क्योंकि ज्यादा भारी हो जाएगा। इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट समझ आता है कि वो ज्यादा लोगों के लिए नहीं होता, मैं 4, 5, 6 लोगों को अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का तो पहले से ऑप्शन है ना, राइट इशू बोनस इशू, अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आप करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो उस रूट से। हालांकि और भी आपको पता होगा कई सारे मेथड, लेकिन मेनली 4 डील होते हैं, वैसे देखा जाए तो ईसोप भी होता है पैसा रेस करने के लिए, स्वेट इक्विटी भी होता है, बड़े सारे हैं लेकिन मेनली 4 होते हैं। और आपने अगर पढ़ा हो तो वहां पे सेक्शन 23 है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 23 है कंपनी एक्ट का, वो भी डील करता है मेथड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, मेथड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज के अंदर और वो क्लियर कट ये बोलता है, दो कंपनी में उसने डिवाइड कर रखा है मेथड के लिए, पब्लिक इशू प्राइवेट इशू, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। और उसने बोला है कि पब्लिक कंपनी 4 तरीके से इशू लेके आ सकती है, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन उसने क्लियर कट बोला है प्राइवेट कंपनी खाली 3 तरीके से ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट,
बोनस इशू, तीसरा राइट इशू। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। एक तो सेक्शन 23 ने मना करा, यहां तो समझ आई, लेकिन इसका मेन लॉजिक क्या है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू क्यों नहीं ला सकती, इसका मेन लॉजिक क्या है? आपको ये अपने अगर पढ़ा हो सेक्शन 2 क्लॉज 68, कौन सा पढ़ाओ? सेक्शन 2 क्लॉज 68, वो किसमें डील करता है? 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी के अंदर। और वो 2 क्लॉज 68 क्लियर कट ये बोलता था, एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहां पे एक थर्ड क्लॉज डला हुआ था, प्राइवेट कंपनी का थर्ड क्लॉज डला हुआ था, और थर्ड क्लॉज में लिखा हुआ था प्रोहिब्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक। टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज फॉर सिक्योरिटीज। इसका मतलब सिक्योरिटीज क्लियर कट, सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज वर्ड टर्मिनेशन है, इसमें सब कुछ कवर हो गया। और पहला वर्ड क्या यूज हुआ यहाँ पे? प्रोहिब्स, मतलब टोटली प्रोहिबिशन है। और इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू मार्केट में जनरल पब्लिक से फंड्स रेस कर ही नहीं सकती। इसका प्राइवेट कंपनी हमेशा कैसे रेस करेगी? जनरली वही तीन मैथड से, या तो राइट इशू या बोनस इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना। तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला नहीं सकती, जब वहां नहीं ला सकती इसलिए उसकी डेरिवेशन सेक्शन 23 के अंदर आई। 23 में भी उन्होंने क्लियर कट क्या बोल दिया? मेथड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर भी, कि पब्लिक कंपनी चार तरीके से ला सकते, प्राइवेट कंपनी तीन तरीके से ला सकते, इसलिए तो उसको प्राइवेट बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग जनरली इन लोगों को बोलते हैं कि पब्लिक कंपनीज जो बेसिकली होती है इनको हम बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनीज। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है इनको हम बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनीज। नाम से क्लियर है क्लोजली हेल्ड क्यों बोले? क्योंकि इनकी सिक्योरिटीज कुछ गिने चुने लोगों में फैले हुए हैं इनके शेयर्स, लेकिन इनके लार्ज लेवल पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे फैले हुए हैं इनके शेयर्स। समझ आती है बात, इसलिए इसको वाइडली हेल्ड। अच्छा अब एक चीज और, आप लोगों ने देखा ये तो सेक्शन 23 कंपनी एक्ट की बात हो रही है, सेबी भी चार ही मेथड बोलता है, सेबी आईसीडीआर भी चार ही मेथड बोलती है। अच्छा एक चीज और समझ आ रहा है फिर इसका मतलब राइट। अच्छा हम जिस मेन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा मेन फोकस है वो इस वाले पे है, इस पोर्शन पे पब्लिक इशू पे जो मेन पढ़ेंगे। हालांकि राइट इशू बोनस इशू सीएमए वालों के कोर्स में तो है नहीं, मैं मेनली ये वीडियो सीएमए वालों के लिए रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, तो मैं राइट इशू बोनस इशू इसमें तो नहीं पढ़ाऊंगा। इन लोगों को तो सीएमए वालों को मेन दो ही पोर्शन पढ़वाए जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, पब्लिक इशू वाला प्लस आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इनको दो ही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं मेन इसके अंदर, मैं इनको वही पढ़ाऊंगा। फिर पब्लिक इशू में वो अलग बात है कि इनको आगे डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं कि पब्लिक इशू किस किस तरीके होते, फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, वही सब पढ़ेंगे। लेकिन बाकी सीएस वाले सीएमए सीएस वाले सीए वाले इसको रेफर कर सकते हैं, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, ऑलमोस्ट कवरेज में करूंगा। चलो अच्छा ये बात तो हो गई हमारी पब्लिक इशू प्राइवेट डिफरेंस के लिए। एक चीज और समझ आती है हमारे लोगों को, पब्लिक इशू जो होता है अभी हम लोगों ने पढ़ना है, नाम इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, उसके लिए सेक्शन 42 अलग से है, मेन हमारा फोकस पब्लिक इशू पर। इसके लिए एक चीज समझ आती है, पब्लिक इशू जो है वो लार्ज लेवल पे हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट स्मॉल लेवल पे हो गया। अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें हम लार्ज पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, इसमें हम पब्लिक को इतना इन्वाइट नहीं करते, इसमें हम इधर अड़ोसी पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। और मैंने जो बच्चे वैसे क्लास में पढ़े, मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर डेढ़ घंटे का एक सेक्शन अकेला, दो घंटे इसी के ऊपर लगा देता हूँ कि ये है कि एक्चुअल में और क्यों लाया गया इंडिया में। सहारा रूलिंग की वजह से जो आया था, हमने बात की थी इसके ऊपर क्लास के अंदर बहुत डिटेल में, जो सीए इंटर के अंदर भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीएम इंटर में पढ़ाता हूँ, फाइनल में तो आपके कोर्स में शेयर कैपिटल ये वहाँ पे टॉपिक होता है जनरली। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, ये आपको अब समझ आ गया कि इस चैप्टर में चार तरीके के मेथड होते हैं, उसमें हम पब्लिक इशू पे ज्यादा फोकस करेंगे, प्राइवेट कंपनी किस किस तरीके से आ सकती है, पब्लिक कंपनी किस किस तरीके से ला सकती है। अब हम आगे बात करते हैं, एक चीज हम आगे बढ़े, एक चीज आपको नॉलेज के लिए मैं अगर आपको बता दूं, नोट डालना हो डाल लेना, सेक्शन 30 है एक सेबी एक्ट का, उसके अंदर सेबी एक्ट के सेक्शन 30 के अंदर सेबी के पास पावर है, सेबी हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस
फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट. और उसी के चलते हुए वो लोग सेबी आईसीडीआर लेके आए 2009, एलओडीआर आई हुई है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस. लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ऐसे बड़ी सारी रेगुलेशन. सारी पावर इनके पास कहां से है, सेक्शन 30 से. अब हम आगे अगर बात करें, ये तो आपने देख लिया कि एक कंपनी किस किस तरीके सिक्योरिटी इशू करती है. अब हम लोग इन्हीं ने दो मेथड्स, अब मैं दो मेथड में आपको डिफरेंशिएट करूंगा इस पूरे चैप्टर को. जनरली लोग बोलते हैं हमारे को पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू का मतलब ये हो गया इनवाइटिंग पब्लिक एट लार्ज वगैरह वगैरह. मैं ये कंसेप्ट आपको समझा दूं, आपको समझ आ जाएगा कि 80% लोगों को नहीं पता पब्लिक इशू होता क्या. अभी हम बात करते हैं पब्लिक इशू क्या होता है, अभी देखते हैं. चलो देखो देखो, कंपनी में इशू सिक्योरिटीज इन द फॉलोइंग वेज, एक मेथड क्या होता है और दूसरा मेथड क्या होता है जरा देखते हैं. एक मेथड तो होता है जी कंपनी का इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट. एक मेथड होता है अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन. अच्छा, इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट में क्या चीज है, ध्यान से देखना. आप लोगों को पता है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट का मतलब क्या है? एक पब्लिक इशू, एक पब्लिक कंपनी जब प्रोस्पेक्टस लेके आती है. अच्छा एक पहले और बात बताओ, हम लोग इस चैप्टर के अंदर मैंने बोला कि मेनली हम पब्लिक इशू के बारे में पढ़ेंगे, और पब्लिक इशू आपको पता है कि वो कैसे आता है थ्रू इशू प्रोस्पेक्टस, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना ही मना है. तो इसका वाला आपको समझ आ रही है, ये मोटा मोटा जब आप इस चैप्टर पढ़ोगे तो टोटल किसके बारे में पढ़ोगे? पब्लिक कंपनीज के बारे में. किसके बारे में पढ़ोगे? पब्लिक कंपनीज, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को तो पब्लिक इशू लाना अलाउड ही नहीं है. तो पढ़ी किसके ले रहे हो आप? पब्लिक कंपनीज के बारे में चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो. अच्छा अब हम फोकस करें इनविटेशन एंड अलॉटमेंट. इनविटेशन एंड अलॉटमेंट का मतलब ये हो गया प्रोस्पेक्ट. आप लोगों को पता होगा जब एक कंपनी का मार्केट में एडवर्टीजमेंट आती है, प्रोस्पेक्टस आता है कि हमारी कंपनी का पब्लिक इशू निकल के आया है, इतने इतने शेयर्स इनवाइट कर दो. आप लोग बोलते हैं ना, सुनते हो आईपीओ आया, इनिशियल पब्लिक ओवर एफपीओ. एक बात देखो, क्या वो आपको कंपनी ऑफर देती है? नहीं, वो ऑफर नहीं होता, वो आपको इनवाइट कर रही होती है. आप जाके ऑफर दोगे हमारे को शेयर खरीदने आपकी कंपनी के, देन वो आपकी उनकी इच्छा है वो आपको अलॉट करेंगे या नहीं करेंगे. इसका मतलब वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर. समझ आती है ना? ऑफर क्या होता है डायरेक्टली, मैं एग्जाम्पल लेके अगर बात करता हूँ, मैं सपोज एक लड़का है और मैं उसको बोलता आई वॉन्ट टू सेल यू माई पेन एट रुपीज 10. ही सेड सर आई एम विलिंग टू बाय योर पेन एट रुपीज 10. ये डायरेक्टली ऑफर है क्योंकि मैंने उसको नाम बोला और उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दे दी. लेकिन एक लेट से एग्जाम्पल लेके बात करो, आप रोड से गुजर रहे हो और एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है और वहां पे एक लड़के ने जीन्स पहनी हुई है डमी के ऊपर, उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ 2000 रुपए. उस केस के अंदर वो ऑफर है? नहीं, वो इनविटेशन टू एन ऑफर है. आप दुकान पे जाओगे, आप उस दुकानदार को जाके बोलोगे मेरे को जीन्स खरीदनी है, अब आपने ऑफर दिया, वो आपको एक्सेप्टेंस देगा. उसने अगर उसने बेचनी होगी तो वापस एक्सेप्टेंस देगा, वरना नहीं देगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर इनविटेशन टू एन ऑफर. तो इसका जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस जो बेसिकली होता है दैट इज इनविटेशन डॉक्यूमेंट. प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है? इनविटेशन डॉक्यूमेंट. हालांकि तुम लोग देखोगे पूरे एक्ट के अंदर जगह जगह कई बार लॉ मेकर ने गलती कर रखी है, उसने इनविटेशन को ऑफर यूज करा हुआ. लेकिन ठीक है, हम आगे उस पर इसके ऊपर बात करेंगे. लॉ मेकर को खुद भी नहीं पता, कई बार गलती कर जाते हैं वो लोग.
आखिर इंसान है, देन अमेंडमेंट इसीलिए आती है। अब जरा देखते हैं, तो इसके अलावा अगर हम सबसे पहले देखें इस वाले प्रोसेस के अंदर, और जो हमने बोला अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, इसका मतलब सीधा क्या जाता होगा यहाँ पर, डायरेक्ट ऑफर इन्विटेशन नहीं आती होगी, तो इसकी किसकी बात हो रही है, इसका मतलब ये बात हो रही है पब्लिक इशू की, सीधी सी भाषा में बोले तो हम किसकी बात हो रही है, पब्लिक इशू की। और ये बात किसकी हो रही है, इसका मतलब फिर ये वाली जो इधर वाली अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन प्राइवेट प्लेसमेंट की जनरली, उसमें क्या होता है आप सीधा ऑफर करते हो अड़ोसी पड़ोसियों को, भाई शेयर खरीदने हैं, वो आपको एक्सेप्टेंस दे देगा, या उल्टा हो सकता है वो आपको ऑफर दे दे, आप उसे एक्सेप्टेंस दे दो। इनविटेशन तो आप इसके अंदर लाते ही नहीं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, और इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट की सेक्शन 42 में डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर अदर देन पब्लिक ऑफर। तो अब इसका मतलब एक चीज समझ आती है, अब जरा देखते हैं इनविटेशन एंड अलॉटमेंट में स्टेप्स क्या होते हैं, जनरली क्या होता होगा, स्टेप वन क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले क्या होता होगा अगर हम देखें, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती होगी, क्या करेगी प्रोस्पेक्टस इशू, अगर उसको मार्केट से फंड्स रेस करने हैं क्या करेगी प्रोस्पेक्टस इशू, इसको हम क्या बोलते हैं डैडी, इनविटेशन टू प्रोस्पेक्टस, अपने आप में क्या होता है इनविटेशन टू एन ऑफर, अच्छा इसके बाद क्या होगा स्टेप टू के बाद, जब एक बार प्रोस्पेक्टस हो गया तो इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तो जाएगा ही, उसके बाद वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स शेल अप्लाई, इन्वेस्टर्स मे अप्लाई, जब हम प्रोस्पेक्टस करें इन्वेस्टर चाहे तो अप्लाई कर लेंगे, हमने तो इन्विटेशन दिया ना, चाहे तो अप्लाई करो चाहे तो ना करो, उनको हमारी कंपनी का ऑफर अच्छा लगेगा इन्विटेशन तो अप्लाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। इन्वेस्टर्स मे अप्लाई बाय फाइलिंग शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, बाय फिलिंग शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म क्या, अच्छा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आप में क्या होता है ऑफर, यही तो ऑफर है, जब उसने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा वो बन जाएगा ऑफर, मतलब इन्वेस्टर की तरफ से हमारी तरह हमारे पास ऑफर आ गया कि वो शेयर परचेज करना चाहता है। देन स्टेप थ्री, अगर कंपनी एग्री करेगी एंड कंपनी विल मेक अलॉटमेंट, और जब कंपनी विल मेक अलॉटमेंट, जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी विल मेक अलॉटमेंट, और जैसे ही कंपनी अलॉटमेंट करेगी यही क्या है ऑफर की एक्सेप्टेंस, यही क्या बन जाएगी एक्सेप्टेंस। और मैंने इसी से तो बोला था, देखो अगर यहां वर्ड आया इनविटेशन, यहां वर्ड आया अलॉटमेंट, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या चलता है इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, कंपनी ने इनविटेशन दिया, आप लोगों ने ऑफर दिया, देन अलॉटमेंट हो गई, कंपनी के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर कट ये बोलता है जब ऑफर पर एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट, और आप कंपनी के क्या बन जाओगे शेयर होल्डर, आप लोग क्या बन जाओगे कंपनी के शेयर होल्डर, और यहां पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई हो जाएगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं पब्लिक इशू, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं पब्लिक इशू। एंड आपको साथ साथ ये तो पता ही है कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है स्टेप फोर क्या होता है लिस्टिंग करवा दो, हालांकि लिस्टिंग की एप्लीकेशन पहले ही जाती है प्रोस्पेक्टस से पहले, प्रोस्पेक्टस इशू करते के टाइम पे जाती है मार्केट पब्लिक इशू लाने से पहले, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग होगी अल्टीमेटली कब, जब आपके शेयर अलॉट हो जाएंगे उसके बाद लिस्टिंग होगी, देन स्टेप फोर क्या होता है उनकी लिस्टिंग करवा लो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और ये सेक्शन 40 कंपनी का क्लियर कट बोलता है एवरी कंपनी विच इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू हैज टू मैंडेटेड लिस्टेड सिक्योरिटीज इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी उसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना मैंडेटरी है, स्टेप फोर है लिस्टिंग। तो ये इन्विटेशन एंड अलॉटमेंट था, ये पब्लिक इशू का प्रोसेस था, और इसके अंदर तो क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, डायरेक्टली आप गली मोहल्ले के लोगों को डायरेक्टली ऑफर देते हो, देन सीधा क्या हो जाती है एक्सेप्टेंस हो जाती है, देन सीधा अलॉटमेंट हो जाती है। तो इसका मतलब एक चीज समझ आती है, इन्विटेशन तो होता ही नहीं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट को अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। ये दो तरीके के मेथड थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अब हम लोग ने जाना था कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर पब्लिक इशू के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, और आप लोगों को समझ आ गया कि पब्लिक इशू क्या है, इनविटेशन एंड अलॉटमेंट। तो अब हम लोग और आप लोगों को ये भी समझ आ गया पब्लिक इशू जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसको एलैबोरेट करते हैं कि पब्लिक इशू अब कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पर हम क्या लिखेंगे पब्लिक इशू, तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं जी,
ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज। अच्छा रटना नहीं है, पब्लिक पब्लिक मैं पहले बता दूं कि रट के बैठ जाओ पब्लिक पब्लिक। ये तो इस बार तुक्का लग गया कि को इंसिडेंस कह लो कि पब्लिक इशू पब्लिक कंपनी, इसके लिए कि प्राइवेट कंपनी को टोटली प्रोहिबिशन सेक्शन 268 के तहत टोटली प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। कहीं बच्चे रट ले प्राइवेट इशू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक इशू पब्लिक कंपनी, ऐसा नहीं, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, दोनों ही कर सकती है। लेकिन इधर हम पढ़ किसके बारे में, मेनली पब्लिक इशू के बारे में, लेकिन प्राइवेट कंपनी खाली प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक इशू नहीं कर सकती। अब जरा देखते हैं, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इन्विटेशन एंड अलॉटमेंट, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट। अब जरा इसमें देखो, पब्लिक इशू भी दो तरीके के होते हैं, आईपीओ एफपीओ, आईपीओ एंड एफपीओ। एक चीज याद रखना, आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फर्दर पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। देखने वाली चीज क्या, आप लोगों ने देखा इतने लोग पब्लिक इशू को आईपीओ से लिंक करते हैं, लोगों को एफपीओ पता ही नहीं होता। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग टेक्निकल लोग हैं, आप लोग से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। कई बार अखबार वाले भी गलती यूज कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईपीओ और एफपीओ डिफरेंट थिंग है। ये दोनों पब्लिक इशू के पार्ट है, मतलब पब्लिक ऑफर दो तरीके से लगता है, तो आईपीओ या एफपीओ के थ्रू। लेकिन इन अखबारों में आप लोग जनरली देखोगे तो वो आईपीओ यूज कर लेते हैं या कई बार वगैरह, लेकिन आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। अभी आईपीओ एफपीओ का पता है जब कंपनी नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर, जब इनिशियली, जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लाएगी तो वो आईपीओ। एक बार उसका पब्लिक इशू आ गया, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आफ्टर आईपीओ बोल सकते हैं, तो जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, एफपीओ होंगे। किसी याद नहीं। अच्छा एक चीज और, नाम से क्लियर हो रहा है मगर एक चीज और ध्यान रखनी है। जैसे आपको पता होगा, लेट्स से एक कंपनी बनी 2009 में, लेट्स से कंपनी थी एक्स लिमिटेड, आपको पता है पब्लिक कंपनी 7 लोगों से बनती है, लेट से वो 10,000 शेयर से बनी थी और 7 लोगों में बढ़ गए 10,000 शेयर्स। अब ये कंपनी उस टाइम पब्लिक इशू थोड़ी लाई थी, इसने शेयर कैसे इशू कर दिया, इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोल सकते। क्या था वो, इनविटेशन विदाउट अलॉटमेंट। शेयर कैसे इशू होते हैं, अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। जब कंपनी स्टार्टिंग में बनती है तो क्या वो इन्विटेशन लेके आती है, वो सीधा क्या करती है, अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। और स्टार्टिंग में कौन सा कंपनी कोई पब्लिक इशू ले आएगी, उसको ऊपर कोई गुडविल पे भरोसा करेगा। लेट से मेरी एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मैंने आज कंपनी बनाई, मैं कल पब्लिक इशू लिया, मेरे भी लोग कंपनी में कोई पैसा लगाएगा। मेन अल्टीमेटली आईपीओ लाने का फंड, आईपीओ या एफपीओ लाने का हमारा मकसद क्या होता है, मेन फंड रेज करना। कोई हमारे को फंड क्यों देगा भाई, हमारी ना नाम ना हमारी गुडविल ना कुछ। तो इनिशियल तो कंपनी आईपीओ लाते नहीं, पहले वो गुडविल बनाएगी, सब कुछ करेगी। टाटा जो टीसीएस, आप लोगों को पता होगा टीसीएस जब बनी थी स्टार्टिंग के अंदर, उसको भी पब्लिक इशू लाने के अंदर कम से कम 15 साल लगे थे बनने के भी 15 साल बाद लेके आई थी पब्लिक इशू, गुडविल नहीं थी। टीसीएस ऐसी बथेरी कंपनियां जो बनने के कई कई सालों बाद लाई है, इनिशियली कौन पैसा दे देगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन ये, मैंने लिंक क्या करना है, 2009 में कंपनी बनी एक्स लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर ऑलरेडी इशू करे थे, ये क्या था, अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। अब 2015 के अंदर कंपनी प्लान कर रही है शेयर इशू करने के लिए पब्लिक के थ्रू, पब्लिक के रूट से पब्लिक इशू लाने की सोच रही है। अभी जो पब्लिक इशू वो ला रही है, आईपीओ माना जाएगा या एफपीओ, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एक बार पहले शेयर अलॉट हो चुके हैं तो उसके जितनी बार शेयर अलॉट होंगे वो क्या होंगे एफपीओ। जी नहीं, शेयर अलॉट हुए थे क्या पब्लिक इशू के रूट से हुए थे, नहीं, ये तो क्या था, इन्विटेशन विदाउट अलॉटमेंट। अब पब्लिक इशू कब ला रहे हो फर्स्ट टाइम कंपनी के लिए 2015 में, तो ये अब आईपीओ माना जाएगा, ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, अब आईपीओ होगा। और लेट्स से अब कंपनी 2017 के अंदर फिर लाना चाहती है पब्लिक इशू, तो 2017 में जो पब्लिक इशू आएगा, पब्लिक इशू वो क्या होगा, 2017 वाला पब्लिक इशू क्या होगा, इधर स्पेस नहीं है, इधर एफपीओ। फिर उसके बाद जितनी बार भी लेके आएगी सारा क्या होंगे, एफपीओ। देखिए समझ आती है, फर्स्ट टाइम क्या होता है आईपीओ, देन उसके बाद क्या होता है एफपीओ।
और अगर कंपनी पहले प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह के थ्रू शेयर इशू करे तो उसके बाद लेके आ रहे तब भी वो क्या बन जाएगा आईपीओ, क्योंकि इनिशियल किसके आगे लगा हुआ पब्लिक ऑफर के आगे, तो कंपनी इनिशियली तो पब्लिक ऑफर ही ला रही है ना, एंड देन बाद में जितनी बड़ी पब्लिक इशू लेके आएगी वो क्या होगा एफपीओ। अच्छा इसी के अंदर अब कुछ लिंक करना है। आप लोगों ने जैसे देखा कि अगर हमने देखा कि सबसे पहले क्या है जी पब्लिक इशू, देन क्या होता है आईपीओ, देन क्या होता है एफपीओ, है ना, आप लोगों ने देख लिया, देन होता है एफपीओ। देखने वाली चीज यहां पे ये है आईपीओ एफपीओ। देखने वाली चीज यहां पे ये है कि आईपीओ में भी आगे दो मेथड होते हैं, आईपीओ में भी आगे दो तरीके होते हैं और एफपीओ में भी दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ऑफर फॉर सेल। इसमें भी सेम फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल। अच्छा एक चीज और समझ आती होगी, मैं पीछे से कुछ लिंक कर देता हूं। जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू ला रही है, इससे पहले तो वो कंपनी क्या थी अनलिस्टेड थी, क्योंकि सेक्शन 40 क्या बोलता है जैसे ही कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर कई बार लिखा होगा बुक के अंदर कि लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो इसका मतलब, अच्छा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है एफपीओ की बात कर रहा है। लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक इशू ला रही है तो वो क्या ला रही है एफपीओ की बात कर रहा है, भले वो पब्लिक इशू यूज कर रहा होगा वो क्या होगा एफपीओ। क्यों? क्योंकि सर एक बार पब्लिक इशू आ गया तो कंपनी को क्या करना होता है लिस्ट, इसका मतलब एक समझ आ गया। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक इशू ला रही है तो वो क्या बन जाएगा आईपीओ, क्योंकि अनलिस्टेड है, क्योंकि सेक्शन 40 क्या बोलता है कंपनी एक्ट का, एक बार अगर कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी तो उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंपनी सिर्फ तब तक अनलिस्टेड थी जब तक उसका पब्लिक इशू नहीं आया था, तभी वो क्या लिस्टेड पब्लिक कंपनी। जब फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू ले आई जो उसका आईपीओ था उसके बाद तो वो क्या बन जाएगी लिस्टेड। अब उसके बाद अगर हम जब वर्ड यूज करेंगे कि कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है लिस्टेड कंपनी, तो हम किसकी बात करें, इसका मतलब कंपनी का पहले से आईपीओ आ चुका है। लेकिन ये तो मैं तुम्हारे को जनरल अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, तुम लोग अभी आगे देखोगे लॉ मेकर ने कई जगह गलती कर रखी है। वो आईपीओ के केस में, अखबार वाले भी आईपीओ के केस में भी कई बार यूज करते थे लिस्टेड कंपनी, पागल लोग। कई बार बुक में भी लिखा हुआ है कंपनी लिस्टेड कंपनी आईपीओ ला रही है, अबे भाई अगर वो लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी तब आईपीओ क्यों ला रही है। अच्छा समझ आती है बात। हाँ कई बार ऐसा होता है, आपको अब समझ आ गया कि लॉ मेकर गलती कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। अभी हमने क्या पढ़ा आईपीओ दो तरीके होते हैं, फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, और उसमें एफपीओ में भी दो होते हैं फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल। ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या होता है बड़े ध्यान से देखना। लेट्स से कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने 1 लाख शेयर्स बनने के टाइम पे ऑलरेडी अलॉट करे हुए हैं, और ये जो ऑलरेडी अलॉट करे हैं ये बनने के टाइम पे ही करे थे, तो इसका मतलब क्या था इनविटेशन विदाउट अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट विदाउट इनविटेशन। क्या थी ये? अलॉटमेंट थी विदाउट इनविटेशन, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जिस टाइम कंपनी बनती है उस टाइम पे आपस में बांट लिए, कोई इन्विटेशन थोड़ी लाए थे, विदाउट इन्विटेशन। 1 लाख इन पे पहले से थे, अब कंपनी 1 लाख के लिए प्लान और कर रही है, 1 लाख के लिए प्लान और कर रही है। अच्छा 1 लाख के प्लान ऑन कर रही है, इसका मतलब ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल अगर लेट्स से 1 लाख थी तो पहले तो कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी और उसमें पावर लेनी पड़ेगी 1 लाख की। अच्छा 1 लाख अब और लाएगी, और आपको पता है कि जब कंपनी फ्रेश पब्लिक इशू लेके आती है, पब्लिक इशू लेके आती है, अब 1 लाख का वो और लाएगी, तो उस केस के अंदर ये जो अब 1 लाख का कंपनी और लेके आ रही है इसको भी लिस्ट करवाना पड़ेगा, और जो पहले 1 लाख ऑलरेडी अलॉटेड है लॉ बोलते हैं सारों का लिस्ट करवाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अलॉटेड है उनको भी लिस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी वाली तो लिस्ट ही हो रही है खाली, वो पहले से बटी हुई है, लेकिन 1 लाख को अब कंपनी मार्केट के अंदर लेके आ रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रेश इशू। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेश इशू। तो ये क्या है? इन्विटेशन है। ये क्या है? इन्विटेशन। एक चीज याद रखना, हम इन्विटेशन वर्ड सिर्फ तब यूज करेंगे जब शेयर ऑलरेडी अलॉट नहीं हुए हुए और कंपनी मार्केट में उसने इन्वाइट करा, आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई, देन अलॉटमेंट हुई।
अच्छा ये तो तब था जब कंपनी के पास, अब कंपनी नए शेयर लेके आ रही है, तो सच अच्छी चीज समझ आती है, इससे कंपनी की बैलेंस शीट इंपैक्ट पड़ेगी, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा इंपैक्ट क्यों पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, एक चीज समझ आती है, बैलेंस शीट में इंपैक्ट इससे पड़ेगा, पहले कैपिटल कितनी थी 1 लाख, अब कंपनी कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 2 लाख, 2 लाख का अगर कैपिटल हो जाएगा तो कंपनी में कैश भी फर्दर कितने का आएगा, 1 लाख के ऊपर कैश और आएगा, 1 लाख शेयर के लिए कैश और आएगा, तो बैलेंस शीट इंपैक्ट होती है फ्रेश इशू के केस के अंदर। अब अगर हम बात करें ऑफर फॉर सेल, स्पेस नहीं बचा, फटाफट बनाते हैं, पब्लिक इशू के अंदर ही आईपीओ एफपीओ फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, सेम इसमें भी फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको एक चीज समझ आती है, ऑफर फॉर सेल के अंदर मैं बता दूं, ऑफर फॉर सेल तभी यूज इसका कंपनी के, लेट्स से कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके अंदर ऑलरेडी वही सेम 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी अलॉटेड थे बनने के टाइम पे, जिस टाइम वो बनी थी कंपनी। अब प्रमोटर्स क्या चाह रहे हैं कि यार इसमें से एक काम करते हैं, 50,000 खुद रखते हैं और 50,000 का पब्लिक इशू ले आते हैं, 50K शेयर्स का पब्लिक इशू ले आते हैं, मार्केट में बेच देंगे, क्या कर देंगे मार्केट में बेच देंगे। अच्छा 50K शेयर्स को मार्केट के अंदर बेच देंगे तो एक बात बताओ, इससे बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, नहीं होगी, क्यों, कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है क्या, नहीं, ये पैसा किसको मिल रहा है, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर एक्स लिमिटेड के 7 शेयर होल्डर से लेट से और उनके पास 1 लाख शेयर थे, उसमें से वो 50,000 खुद रख रहे हैं, 50,000 मार्केट में बेच रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको इशू क्यों नहीं बोला, ऑफर क्यों बोला, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटेड है, इसमें बेसिकली क्या हो रहे हैं, ये लोग यहाँ से सेल करेंगे और सामने वाला परचेज करेगा, इसके लिए पैसा जो आएगा वो एक्स लिमिटेड के पास नहीं आएगा, पैसा किसके पास, शेयर होल्डर के पास आएगा, लेकिन सिर्फ उसने कंपनी के यहाँ पर प्रोस्पेक्टस से रेज कर दिया कि हमारी कंपनी के इतने वाले शेयर हम लोग बाहर बेचने जाते हैं, इसी को आप लोगों ने देखा हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, और जनरली ये रूट गवर्नमेंट कंपनीज में फॉलो होता है, गवर्नमेंट कंपनीज को जनरली वो यही रूट फॉलो करती है। किसी को अगर पता हो कोल इंडिया, अगर किसी को पता हो कोल इंडिया जो है कंपनी, कोल इंडिया के अंदर 100% होल्डिंग गवर्नमेंट की थी, 100% होल्डिंग गवर्नमेंट की थी, लेटर ऑन दे थॉट कि यार एक काम करते हैं, पैसा बांट देते हैं, हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टेक कम कर देते हैं, देन वो 2014 में, अच्छा 100% होल्डिंग गवर्नमेंट की, इसका जब कंपनी आज तक पहले कभी पब्लिक इशू लाई नहीं, उन्होंने सारा अपने आप में बांट रखा था पहले से ही जब बनने के टाइम पे, इसका 2014 में कंपनी पब्लिक इशू लाई, तो पहली बात तो पब्लिक इशू क्या माना जाएगा, आईपीओ फर्स्ट टाइम आया, 2014 में कंपनी पब्लिक इशू लाई और इन्होंने अपने ही शेयर्स में से आधे शेयर ऑलमोस्ट मार्केट में पब्लिक इशू लिया है, हाफ शेयर्स का। तो वो जो पब्लिक इशू लेके आए वो आईपीओ तो है, लेकिन आईपीओ में वो क्या है ऑफर फॉर सेल, वो फ्रेश इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को बांट रहे, उन्होंने अपनी कैपिटल नहीं बढ़ाई, ये चीज समझ आ रही है, कैपिटल नहीं बढ़ाई उन्होंने, क्या करा अपने एग्जिस्टिंग वालों को ही बांट दिया पब्लिक इशू के अंदर। अब हम आगे बात करें फिर फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, अच्छा यहां पे भी सेम है, ये जो यहां पे है यहां पे भी सेम है, और मैं सिर्फ एक जगह समझा रहा हूं, एफपीओ में सीधे बाकी सेम ही है, फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल जो यहां समझ लोगे एफपीओ में भी सेम ही है, तो क्या है यहां पे सेम सेम। अब जरा इसमें देखो ये लाइन है, अब इससे अच्छा एक बात बताओ, ऑफर फॉर सेल के अंदर अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर ही बेचे तो इसमें क्या बैलेंस शीट इफेक्ट होगी कंपनी की, नहीं होगी बैलेंस शीट इफेक्ट, नहीं होगी क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा क्या कंपनी
ऐसा भी कर सकती है कि दोनों तरीके से ले आए, एक साथ ला सकती है। जी ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पूरा ही फ्रेश इशू लेके आए, पूरा ही फ्रेश इशू लेके आए, ऐसा भी कर सकती है। आपको पता होगा डीमार्ट, ये लोग अपने जगह जगह, आप लोगों को पता होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह बनाते हैं। इनकी कंपनी का नाम तो कुछ होता है, इनका डीमार्ट ब्रांड का नाम डीमार्ट है, मैं नाम बोल रहा कंपनी का। तो डीमार्ट ने क्या करा था, लेट्स से इनके लेट्स से 1 लाख शेयर ऑलरेडी थे, ये लोग 1 लाख का और लाए, 1 लाख शेयर्स और पब्लिक इशू लेके आए। और अच्छा ये वाले लाए तो पहले कंपनी कभी आईपीओ लाई नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम लेके आई है, तो इन्होंने इन वाले शेयर्स को लिस्ट करवाया, तो ये ऑलरेडी पुराने वाले भी लिस्ट होंगे, साथ में लिस्ट होंगे। लेकिन क्या इन वालों को पब्लिक इशू थोड़ी, ये तो खाली लिस्ट हो रहे हैं, पब्लिक इशू तो खाली इनका आ रहा है 1 लाख का, तो क्या फ्रेश इशू। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि दोनों ही हो सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, कंपनी एक्स लिमिटेड, इसके अंदर 1 लाख शेयर्स थे वो ऑलरेडी अलॉटेड थे, ऑलरेडी अलॉटेड थे, और वो 1 लाख और लाना चाहती है, और इन 1 लाख में से प्रमोटर भी 50 के शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो अब कंपनी 1.5 लाख का पब्लिक इशू ला रही है, 1.5 लाख का पब्लिक इशू ला रही है। अच्छा ये अब ये पब्लिक इशू ला रही है तो आईपीओ है, तो क्या ये आईपीओ, लेकिन आईपीओ में दोनों कवर होगा, फ्रेश इशू भी, ऑफर फॉर सेल भी, 50,000 का ऑफर फॉर सेल है और 1 लाख वो, तो इसके लिए समझ आ गया। फ्रेश इशू, इशू वर्ड हम कभी यूज करेंगे जब शेयर्स की अब तक अलॉटमेंट नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, देन आप इनविटेशन दे रहे हो, वो एप्लीकेशन लगाएंगे, देन अलॉटमेंट करो। जिन शेयर की पहले अलॉटमेंट हो चुकी है और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रोस्पेक्ट के थ्रू बेच रहे, तो हम वर्ड यूज करेंगे ऑफर फॉर सेल, और फर्स्ट टाइम हम वर्ड यूज करेंगे फ्रेश इशू। अच्छा एफपीओ के अंदर भी यही सेम होता है, वर्ड सेम है, इसके बाद कंपनी वर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे जो समझाया वहां पे वो बात एक ही है, इसलिए वहां समझाने की जरूरत नहीं है, आई होप। अच्छा सर आप एक ऐसा एक काम कर दो, बता दो कि सर ऐसी कौन सी कंपनी है जो दोनों एक साथ मिलाई है। सर ऐसी बहुत सारी कंपनी है। अच्छा अगर तुम्हारे को पता हो तो मैं NTPL, NTPL नेशनल थर्मल पावर कंपनी, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसी मेथड से लेके आई थी। उन्होंने क्या करा था, अच्छा अभी गवर्नमेंट कंपनी है तो उन्होंने फ्रेश इशू भी कुछ लाए थे, कुछ ऑफर फॉर सेल बिगड़ती, मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग उन्होंने कुछ बांट दी मार्केट के अंदर, बेच दी। अच्छा बीसी बेस्ट काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं बोलता डिसइन्वेस्टमेंट खाली इसी रूट से होती है, आजकल आपको बताओ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर बेच रही है पब्लिक को, ये एक मेथड है, और भी कई रूट होते हैं, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट एक मेथड। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, आधे शेयर अपने बेचे ऑफर फॉर सेल के थ्रू, आधे फ्रेश इशू के थ्रू लेके एक ही प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो आपको समझ आ गया आईपीओ भी दो तरीके से फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, एफपीओ भी दो तरीके से होते हैं फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी इससे आपका बेस बन गया हो गया। अगली वीडियो में हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।